और अब बात इमरान खान की, जिन्हें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार झटका दिया है। इमरान को सत्ता के सिंहासन पर बिठाने वाले सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन इमरान सरकार ने 2022 तक उन्हें सेना प्रमुख बनाए रखने का फरमान सुना दिया। उधर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार के इस फैसले को ही गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने इमरान और बाजवा दोनों को नोटिस तो भेजा ही, उन्हें जमकर खरी खोटी भी सुनाई। मतलब ये कि पाकिस्तान में अदालत और सरकार अब आमने सामने आ गए हैं, यानी इमरान खान अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से इमरान को झटका। बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने पर इमरान को नोटिस। इमरान के सेनापति पर सुप्रीम कोर्ट का प्रहार। कल तक इमरान खान बतौर वजीरे आजम अपनी मनमानी कर रहे थे। कल तक इमरान खान पाकिस्तान में अंधेर गर्दी मचा रहे थे। कल तक इमरान खान की मनमर्जियां पाकिस्तान की आवाम को परेशान कर रही थी, लेकिन अब वहां की सुप्रीम कोर्ट ने तालिबान खान को सुधारने का बीड़ा उठाया है। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के फैसलों को पलटने लगी है, जिसकी ताजा मिसाल है पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। दरअसल बतौर सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा था, जिसे इमरान सरकार ने साल 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इमरान के फैसले पर सरकार और सेना प्रमुख दोनों को नोटिस भेज दिया। कोर्ट के मुताबिक कार्यकाल बढ़ाने की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। आर्मी चीफ, वजीर आजम और सदर मुमलिकत को नोटिस जारी कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। वाज़ह रहे कि 19 अगस्त को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, जिसके तहत आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल के लिए तौसी कर दी गई थी और ये तौसी जो है वो 30 नवंबर से होनी है। करीब 2 महीने पहले ही पाकिस्तान की सरकार ने बाजवा का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया था। इमरान खान चाहते थे कि उनके भरोसेमंद कमर जावेद बाजवा 2022 तक सेना प्रमुख की कुर्सी पर बैठे रहे, ताकि उनकी कुर्सी पर आंच ना आए, लेकिन इमरान के इस फैसले को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार और कमर जावेद बाजवा को नियमों की अनदेखी पर खूब लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, सिर्फ पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास ही ये शक्ति है कि वो सेना प्रमुख के कार्यकाल को बढ़ा सके, फिर सरकार ने खुद ये फैसला कैसे कर लिया? सरकारी वकील ने जवाब दिया, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया गया था, इसके लिए कैबिनेट ने भी मंजूरी दी थी। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर सवाल दागा कि कार्यकाल विस्तार को 25 कैबिनेट सदस्यों में से केवल 11 ने ही मंजूरी दी थी, मंत्रिमंडल के 14 सदस्यों ने अपनी कोई राय क्यों नहीं दी? लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा ये कि इमरान खान ने कोर्ट में झूठा दावा किया। सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने झूठ कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति से इजाजत ले ली थी, जबकि खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इस बात को माना है कि उनकी इजाजत के बगैर ही बाजवा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अब चूंकि वक्त कम है, एक आपको एक अहम फैसला करना है, आर्मी चीफ की तौसी होनी हो गई है, ऑलमोस्ट फैसला हो गया है, आपको दस्तखत, कब तक आप नोटिफिकेशन बाकायदा जारी करेंगे? ये तो जैसी वहां से प्राइम मिनिस्टर साहब के पास एडवाइस आएगी तो मैं करूंगा। इमरान खान का झूठ पकड़ा गया। सरकार की ओर से अदालत में दलीलें देने वाले अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान की पोल पट्टी खुल गई, लेकिन पाकिस्तान की जनता के लिए बुरी खबर ये कि उनके मुल्क में फिलहाल न्यायपालिका और विधायिका में जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सरकार और कोर्ट आमने सामने हैं और हालात बेहद गंभीर।
पहले अप्रूवल क्यों दिया गया और प्रेसिडेंट का कि उस जो बाद में जो अप्रूवल दिया गया 21 तारीख को उसमें प्रेसिडेंट का अप्रूवल क्यों नहीं लिया गया, तो ये मैटर अभी भी चल रहा है। कल इसकी एक नई हेयरिंग भी होनी है, तो मुझे लगता है कि इसके माध्यम से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अपनी सत्ता को असर्ट करने की और अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा। यही वो शख्स हैं जिन्होंने इमरान की मनमानियों पर लगाम लगाई। गैर कानूनी ढंग से बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कानून का पाठ पढ़ाया है। हालांकि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और इमरान के बीच पहली बार तलवार उस वक्त खींची थी जब इमरान ने अदालतों पर सवाल उठाए थे। अदालत और इमरान के बीच जंग की ये पुरानी कहानी अब क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रही है, जबकि पाकिस्तान इमरान खान और पाकिस्तान की अदालतों की अदावत पुरानी है। ये वही इमरान खान है जो एक दौर में पाकिस्तान की अदालतों पर ताकतवर और दौलतमंद लोगों के हित में फैसले सुनाने का आरोप मढ़ते थे। आज वही इमरान खान खुद कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने शायद सेना अध्यक्ष बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला कर बाजवा का पुराना कर्ज चुकाया है, लेकिन कानून की नजर में ये फैसला दुरुस्त नहीं बैठा। अब बाजवा का ये प्रेम इमरान खान को महंगा पड़ सकता है। कमर जावेद बाजवा को सेना प्रमुख बनाए रखने के लिए इमरान खान किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो नियम कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं। वो अदालत में झूठ बोल सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कमर जावेद बाजवा ही इमरान के रहनुमा हैं। वो हैं तो इमरान खान वजीरे आजम, वो नहीं तो इमरान खान कुछ भी। बाजवा का कार्यकाल बढ़ा करके इमरान खान अपना एक कर्ज उतार रहे हैं, क्योंकि इमरान खान को बाजवा ने ही सत्ता में बैठाया था। इमरान खान भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आर्मी और आईएसआई के सपोर्ट के बिना वो इलेक्शन जीत नहीं सकते थे, और एक तरह की टैसिट अंडरस्टैंडिंग भी रही होगी बाजवा और इमरान खान के बीच में कि हम आपको इलेक्शन में जिताने में सफल सहयोग देंगे और आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और आप हमें जो है अगला 3 साल का एक्सटेंशन दे देना। बाजवा से दोस्ती निभा रहे इमरान खान को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने वाले फैसले पर सरकार और सेना प्रमुख दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इमरान के मुंह पर ऐसा तमाचा जड़ा कि वो सदमे में। लेकिन हकीकत तो ये है कि अदालत से लड़ाई की शुरुआत खुद इमरान खान ने की थी। वो इमरान ही थे जिन्होंने सबसे पहले अदालतों को इंसाफ का फलसफा समझाने की कोशिश की। मैं दोनों अजीम जजेस, एक मौजूदा चीफ जस्टिस और एक आने वाले चीफ जस्टिस है, मैं आज अपनी कौम की तरफ से आपको कहता हूं कि इसको परसेप्शन को ठीक करें। इमरान ने हमला बोला तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। आसिफ सईद खोसा ने इमरान खान को आगाह किया था कि उन्हें पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। ताकतवरों का ताना ये हमें ना दें। हमारे सामने कोई ताकतवर नहीं है, हमारे सामने ताकतवर सिर्फ कानून है। लेकिन सत्ता के नशे में चूर इमरान खान भला कहां मानने वाले थे। उन्होंने अदालतों पर हमला करना बंद नहीं किया, इंसाफ का सबक सिखाते रहे, जबकि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा बार बार कहते रहे कि इमरान उन्हें कानून का पाठ ना पढ़े। ये जो परसेप्शन बनी हुई है पाकिस्तान में कि ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, ये हमारी तारीख रही है। ये ताकतवरों का ताना ये हमें ना दें। हमारे सामने कोई ताकतवर नहीं है, हमारे सामने ताकतवर सिर्फ कानून है। जिस पर्टिकुलर केस का हवाला वज़ीर आज़म साहब मोहतरम ने दिया, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता,
लेकिन उनको पता होगा कि उसके किसी के बाहर जाने की इजाजत खुद उन्होंने दी थी। दरअसल इमरान खान सेना की ही तरह पाकिस्तान की अदालतों पर भी अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कानून उनके हिसाब से चले और कोर्ट वही फैसला सुनाए जो वो सुनना चाहते हैं। लेकिन इस चक्कर में वो अपना ही नुकसान कर बैठे हैं। पाकिस्तान मीडिया की माने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान पर अवमानना का केस चलाने की इजाजत दे सकती है। इमरान के खिलाफ याचिका दायर की गई थी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की। सत्ता को वहाँ के जो जस्टिस खोसा हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, वो लगातार एसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी एसर्शन की प्रक्रिया में उन्होंने एक बाजवा का जो एक्सटेंशन है वो इसके ऊपर भी सवाल उठाए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ये डेवलपमेंट है और ये मुझे लगता है कि आर्मी सरकार और जुडिशरी के बीच में जो शक्ति को लेकर के एक जो एक टकराव है वो उसको दिखाता है। वैसे आज तक यही आरोप लगते रहे हैं कि पाकिस्तान में अदालतें पैसे लेकर फैसला सुनाती हैं, पैसे के लालच में जज तक बिक जाते हैं। पाकिस्तान की न्यायपालिका अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है, वहां सुप्रीम कोर्ट तक सौदा कर फैसला देती है। सत्ता से प्रभावित न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में है। लेकिन लगता है कि अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर लगे दाग धुलना चाहती है। तभी तो उसने सरकार के खिलाफ जाकर बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने पर नोटिस दे दिया। 21 दिसंबर को रिटायर हो रहे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इमरान की हेकड़ी निकाल दी। पाकिस्तान में आपातकाल जैसी स्थिति है, हालांकि उसकी आतंक नीति जस की तस है, लिहाजा भारत कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए हिंदुस्तान ने LOC पर इसराइल से ली गई स्पाइक मिसाइल तैनात करने का फैसला किया है। ये स्पाइक मिसाइल आतंकियों के लॉन्च पैड और बंकर को तबाह करने की सलाहियत तो रखती ही है, इनमें दुश्मन के टैंक को नेस्त नाबूद करने का दम भी है। इसके अलावा भारत दुनिया का सबसे ताकतवर जासूसी सैटेलाइट भी लॉन्च करने जा रहा है। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष से कैमरा फोकस करेगा और धरती पर 1 फीट से भी कम ऊंचाई पर कुछ भी बेहद साफ देख सकेगा। यानी इंसान के हाथ की घड़ी का वक्त भी ये कैमरा अंतरिक्ष से देख लेगा। यानी अब पाकिस्तान अपनी आतंकवादियों को कहीं छुपाकर नहीं रख पाएगा। सेना ने इसराइल से 240 स्पाइक मिसाइलें खरीदी हैं। टैंक किलर्स के नाम से मशहूर इन मिसाइलों को हाल ही में सेना में शामिल किया गया है। ये मिसाइल आतंकियों के बंकरों को तबाह कर सकती है। लगभग 1 महीने पहले भी सेना ने नियंत्रण रेखा के उस पार आतंकी कैंपों और लॉन्च पैड को निशाना बनाया था, जिसमें करीब 6 आतंकी मारे गए थे। तो पाकिस्तान के लिए बुरी खबर ये कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के साथ लगती नियंत्रण रेखा यानी कि LOC पर इन्हीं स्पाइक टैंक रोधी मिसाइलों को तैनात करने का फैसला किया है। स्पाइक इजराइल की डिजाइन की हुई चौथी पीढ़ी की मिसाइल है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि यह गाइडेड मिसाइल है, मतलब कि मिसाइल की दिशा तय की जा सकती है। लक्ष्य तय करने के बाद मिसाइल अपने आप निशाने पर जाकर लग जाएगी। वहीं इस मिसाइल को आसानी से लादकर इधर से उधर ले जाया जा सकता है। इससे चलते हुए टैंक पर बिना चूक के निशाना लगाया जा सकता है। मिसाइल दागने के बाद अपनी पोजीशन बदल सकते हैं ताकि दुश्मन निशाने पर आने से बच जाएं। फिलहाल इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन सहित कुल 26 देश इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पाइक मिसाइल्स भारत ने बालाकोट की जो स्ट्राइक के बाद खरीदी थी और बहुत ही इमरजेंसी में इसको एक्वायर किया गया था, और इस जिसके माध्यम से ये फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और ये बहुत ही सटीक निशाने पे वार करती है। और साथ ही साथ इसके माध्यम से जो तमाम बंकर्स हैं पाकिस्तान जो बना रखे हैं, पाकिस्तान ने जो टेरर कैंप बना रखे हैं, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत युद्ध के मोर्चे पर जिस एक जगह पाकिस्तान से थोड़ा हल्का पड़ता है वो है एंटी टैंक मिसाइल। भारत के पास फिलहाल
फ्रांस की मिलान 2T मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर तक है, जबकि पाकिस्तान के पास HJ-8 पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है। इसे पाकिस्तान की सेना ने बख्तर शेख नाम दे रखा है। ये भारत की मिसाइल से 2 गुनी ताकत रखती है। इसके अलावा पाकिस्तानी इन्फेंट्री के पास अमेरिका में बनी TOW मिसाइल भी है। ये भी भारतीय एंटी टैंक मिसाइल से कहीं बेहतर है। ऐसे में भारतीय सेना के लिए स्पाइक मिसाइल ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। हालांकि 5 अगस्त के बाद से ही पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के हौसले पस्त हैं। LOC से घुसपैठ की उनकी कोशिशें लगातार नाकाम हो रही हैं और कश्मीर घाटी में युवा आतंकियों से किनारा कर रहे हैं। यही नहीं, आतंकियों का भर्ती अभियान भी खटाई में पड़ गया है, जिसकी तस्दीक करते हैं ये आंकड़े। 2017 के अगस्त महीने में 3 युवक आतंकी बने, 2018 में 17, जबकि 2019 में सिर्फ 2। वहीं सितंबर के महीने की बात करें तो 2017 में 12 युवक आतंकी बने, 2018 में 13, जबकि 2019 में सिर्फ 8। अक्टूबर 2017 में 10 युवक आतंक की राह पर चल पड़े, 2018 में 14, जबकि अक्टूबर 2019 में सिर्फ 6 युवक ही आतंकी बने। जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट रहा है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में 5 अगस्त के बाद, बहुत ही अच्छा रहा है। भारत का जो डिप्लोमेटिक मैनेजमेंट रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, और यही कारण है कि आज 370 और 35A का सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक डिप्लोमेंट कर लिया गया है। और ऑपरेशन ऑल आउट आज भी जारी है, और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत पाकिस्तान समर्थित, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड बहुत सारे आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर्स को मार गिराया जा चुका है। जाहिर है, पाकिस्तान की आतंक नीति कश्मीर घाटी में दम तोड़ रही है। पुलवामा को छोड़कर बाकी जगहों से आतंकियों के पैर उखड़ रहे हैं। लोकल सपोर्ट ना के बराबर है, और कश्मीर की युवा शक्ति समझ गई है कि पाकिस्तान उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा आतंकिस्तान और उसके पैसों पर पलने वाले दहशतगर्द अपनी जमीन बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, मगर उनकी तमाम कोशिशों पर पानी फेर रही है भारतीय सेना की आक्रामक रणनीति।